एग्रीकल्चर का हमारे पाकिस्तान में मेजर रोल प्ले, जैसे कि एग्रीकल्चर मेजर रोल प्ले इन पाकिस्तान इकोनॉमिक्स, ठीक है, एज लाइक बैक बोन ऑफ पाकिस्तान। एग्रीकल्चर जैसे रीढ़ की हड्डी होती है ना इंसान के अंदर, ऐसे ही रोल प्ले करता है पाकिस्तान की मईशत में एग्रीकल्चर। जैसे हमारी इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर के थ्रू जो हमें प्रोडक्ट्स मिलती हैं, जैसे हमारे सीरियल क्रॉप्स हो गए, वीट, राइस, माइलेट, सॉर्गम, कॉटन, बाय प्रोडक्ट्स एज लाइक लाइव स्टॉक से जो हमें प्रोडक्ट्स मिलती हैं, दीज आर बाय प्रोडक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सीरियल क्रॉप्स, which are wheat, cotton, sugarcane, millet, sorghum, chickpea, एंड अदर्स। देन हमारी जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो एक्चुअली एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज जो भी है हमारी, वो सीरियल क्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करती हैं हमारे, जो हैं वीट, कॉटन, शुगर कैन, माइलेट, सॉर्गम, चिकपी एंड सम अदर्स, ठीक है। सीरियल क्रॉप्स वीट, कॉटन, जैसे कॉटन हमारी इंडस्ट्रीज में गई, वहाँ कॉटन को रिफाइनरी होती है, रिफाइनरी के बाद उसमें से धागा बनता है, धागा आगे सप्लाई होता है, आगे और इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे कपड़ा बनता है जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और मुल्क की मईशत के अंदर बड़ा इफेक्ट पड़ता है, बेहतरी आती है। फर्स्ट इफेक्ट लेबर कास्टिंग, ठीक है। सेकंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, हम जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्रीज से, अदर कंट्रीज से जो भी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, सच एज मशीनरीज, हैवी मशीनरीज, इम्प्लीमेंट, कार, कॉस्मेटिक एंड सम अदर्स में देते हैं, और वो अदर कंट्रीज जो हमारी कंट्रीज से सीरियल क्रॉप्स सच एज वीट, कॉटन, सॉर्गम, माइलेट, ईटीसी, मैंगो और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ईटीसी, एनीथिंग, जो भी उनकी नीड होती है वो हमसे लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से हमारी कंट्री की मईशत में भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, बेहतरी आती है जिससे मुल्क की 90% मईशत इम्प्रूव होती है। दैट्स वाई वी आर कंसिडर्ड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। मशीनरीज सच एज ट्रैक्टर्स, हैवी ट्रैक्टर्स जिससे हम लैंड की प्रिपरेशन करते हैं, का भी हमारे पाकिस्तान के अंदर मेन रोल है, ठीक है। जैसे मशीनरीज, इम्प्लीमेंट्स,
क्लेज प्रैक्टिसेस, देन आफ्टर मशीनरीज। मशीनरीज का भी हमारे पाकिस्तान की मईशत में अहम किरदार है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे लैंड की प्रिपरेशन होती है तो वहाँ रोल प्ले करता है ट्रैक्टर्स। पहले के दौर में हम बैलगाड़ियों के थ्रू हम अपनी ज़मीन को बेहतर बनाते थे, उसे नरम करते थे। अब न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके थ्रू हम अपनी ज़मीनों को जरखेज आबाद करते हैं, उन्हें नरम करते हैं ताकि हमारी खेती बाड़ी ईजीली ग्रो कर सके। जिसमें इम्प्लीमेंट्स आते हैं, टिलेज प्रैक्टिसेस होती है, किसके थ्रू? ट्रैक्टर के थ्रू इम्प्लीमेंट्स होते हैं, प्लो, डिस्क प्लो, राजा प्लो, डिस्क हैरो, थ्रेशर्स, ठीक है। इनके थ्रू हम अपनी सॉइल्स को, जमीनों को नरम करते हैं, हमारी जो क्वांटिटी है पैदावार की वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है। इनके थ्रू हम इम्प्रूव करते हैं हमारी सॉइल की कंडीशंस एंड हमारी क्वांटिटी जो इम्प्रूव हो सके। प्लो, हर, डिस्क प्लो, इसके अंदर एक थाली लगी हुई थी जो ट्रैक्टर के थ्रू जमीन को नरम करती है। राजा प्लो, ये डीप प्लोइंग करता है। डिस्क हैरो, ये प्लोइंग करता है। थ्रेशर, जो हमें सेपरेट करके देती है हमारे अनाज को, जैसे कि वीट क्रॉप, एग्जाम्पल वीट, ओके। फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स एक्चुअली यूरिया, यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, दीज आर फर्टिलाइजर्स व्हिच इम्प्रूव टू आवर क्रॉप्स। बेसिकली फर्टिलाइजर का मेजर रोल प्ले है हमारी सॉइल्स के अंदर। पहले वाले दौर के अंदर क्या होता था कि हम नेचुरल भाण, जिसे हम कहते हैं फार्म यार्ड मैन्यूअर, ठीक है, कुदरती भाण, वो हम देते थे हमारी सॉइल्स को। उससे क्या होता था, हमारी जो पैदावार की क्वांटिटी है वो इम्प्रूव भी होती थी और ज़्यादा भी आती थी। अब क्या हो गया है, अब न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, मगर इससे हमारी सॉइल्स को थोड़ा नुकसान होता है, मगर इसमें क्या होता है, पैदावार जो भी जो हमारी होती है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है, ठीक है। अब कौन कौन से फर्टिलाइजर्स हैं, यूरिया, DAP, SSP, ठीक है, यूरिया नाइट्रोजन बेस्ड है, DAP फॉस्फोरस है, सिंगल सुपर फॉस्फेट, ठीक है, एंड अदर्स। ठीक है, अब आ जाएं हम कैश क्रॉप्स। कॉटन, राइस, शुगर कैन, सोरगम, चिकपी, अदर्स। ठीक है, फोडर क्रॉप्स, फोडर क्रॉप्स कौन से हैं, वो क्रॉप्स जो हमारे लाइव स्टॉक पर्पस के लिए हमारे इस्तेमाल के अंदर आए, जिसे हम चारा कहते हैं, फोडर क्रॉप्स।
कैश क्रॉप्स वो होते हैं जिसमें वीट, कॉटन, राइस, शुगर केन, सोरगम, चिकपी एंड अदर्स, दीज आर ऑल ऑफ कैश क्रॉप्स, एनी टाइम यू कैन यूज इन मार्केट, फोडर क्रॉप्स, अर्सिंग, मकई, लोकल नेम इज ETC. ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर. सॉइल साइंस के अंदर हम सॉइल्स के बारे में स्टडी करते हैं. एग्रोनॉमी के अंदर हम सॉइल की मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करते हैं. प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के अंदर हम प्लांट के जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं. जेनेटिक्स प्रोटेक्शन, प्लांट को प्रोटेक्शन हम मुहैया करते हैं. फिजियोलॉजी, प्लांट को हम फिजिकली स्टडी करते हैं इस ब्रांच के अंदर. प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं. हॉर्टिकल्चर जिसमें हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स को स्टडी करते हैं. एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी जिसमें हम सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस ETC, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. मेट्रोलॉजी जैसे हम विंड डायरेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं.